नमस्कार। अब हम दो यादृच्छिक चरों की अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अब तक हमने यह देखा कि दो यादृच्छिक चरों का बंटन फलन एवं घनत्व फलन किस प्रकार होता है एवं दो यादृच्छिक चर स्वतंत्र कब कहे जाते हैं। अब हम दो यादृच्छिक चरों के संयुक्त गौसियनत्व अथवा दो यादृच्छिक चरों के गौसियन होने पर चर्चा करेंगे। हमने यह देखा था कि हम एक यादृच्छिक चर एक्स, जो कि एक वास्तविक संख्या हो सकती है, को गौसियन अथवा गौसियन को यदि मैं हिंदी में लिखना चाहूँ तो वह गौसीय बनेगा, किंतु सभी अंग्रेजी नाम अथवा सभी विदेशी नाम हिंदी में उतनी सरलतापूर्वक नहीं लिखे जा सकते जिस प्रकार फूरिये है, जिसे हम फूरिये परिवर्तन आप में सब में पढ़ा होगा। इसे यदि मैं हिंदी में लिखना चाहूँ तो वह फूरिये बनेगा, क्योंकि सरल रूप से इसके हिंदी में अगर अंग्रेजी को सीधे से लिखेंगे तो वह इस प्रकार लिखा जाएगा। अथवा इन समानताओं को ध्यान में रखते हुए हम व्यक्तियों एवं स्थानों के नामों को अंग्रेजी रूप में ही लिखेंगे। इसीलिए यद्यपि गौसियन का ठीक हिंदी अनुवाद गौसीय बनेगा, किंतु मैं उसे गौसियन ही लिखूंगा। अब हमने यह कहा था कि यदि x r एक गौसियन यादृच्छिक चर है, x r एक गौसियन यादृच्छिक चर है, तब मैं लिख सकता हूँ यह बटे यह, तब x का घनत्व फलन इस प्रकार दिया जाएगा एवं x के बंटन फलन के विषय में हमने चर्चा की थी। अब यदि हमारे पास दो यादृच्छिक चर हैं x एवं y, तब हम उन्हें संयुक्त रूप से गौसियन कब कहेंगे। प्रश्न यही है कि दो यादृच्छिक चरों x एवं y को हम संयुक्त रूप से गौसियन कब कहेंगे। हम यह देखते हैं कि हम गौसियत्व पर, अगर हम इसे हिंदी में बोलें तो हम गौसियनत्व अथवा गौसियत्व पर इतना जोर अथवा इतना भार इसीलिए डाल रहे हैं कि यह बाद में चलकर हमारे लिए आवश्यक होगा एवं कई भौतिक परिकल्पनाओं में, कई ऐसे स्थानों पर जहाँ पर हम प्रायिकता का प्रयोग करते हैं, वहाँ गौसीय यादृच्छिक चर हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए दो यादृच्छिक चरों के संदर्भ में गौसीय यादृच्छिक चरों को समझना आवश्यक है। अंत में हम कुछ ऐसे प्रमेय भी देंगे जहाँ पर हम यह दिखाएंगे कि कई भौतिक सिद्धांत, कई भौतिकीय वस्तुओं का बंटन, कई भौतिकीय वस्तुएँ जैसे कि एक पेड़ से पत्तों का गिनना, जिन्हें हम देख सकते हैं, वह भी गौसीय यादृच्छिक चरों का पालन करती हैं अथवा उनका बंटन भी गौसीय बंटन का पालन करता है। यह किस प्रकार होगा यह हम इस कोर्स में बाद में समझेंगे। अभी हम दो यादृच्छिक चरों को देखते हैं। यदि हमारे पास दो यादृच्छिक चर x एवं y हैं, तब हम उन्हें संयुक्त रूप से गौसियन अथवा गौसीय कह सकते हैं जब उनका संयुक्त घनत्व फलन इस प्रकार दिया जाता है। दो
हमारे पास इस बंटन फलन के रूप में यह दानव है, जहां ए बराबर है सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। यह संपूर्ण समीका हमें दो गौसियन यादृच्छिक चरों का घनत्व फलन देती है। अब जिस प्रकार एक गौसियन यादृच्छिक चर जिसका मध्यमान म्यू एवं प्रसरण सिग्मा घात दो है अथवा सिग्मा वर्ग है, उसे हम इस प्रकार दर्शाते हैं। हमने यह कहा था कि हम एक गौसियन यादृच्छिक चर को इस मध्यमान म्यू एवं प्रसरण सिग्मा वर्ग के गौसियन यादृच्छिक चर को इस प्रकार दर्शाते हैं, उसी प्रकार हम दो गौसियन यादृच्छिक चरों को इस प्रकार दर्शाएंगे। यह एक्स वाई का द्वय हमने इस कोष्ठक में इस प्रकार लिखा है, म्यू एक्स म्यू वाई एक्स वर्ग सिग्मा वाई वर्ग रो। यहाँ सरल है किंतु फिर भी हम पूर्णता के लिए यह लिखेंगे, एक्स का मध्यमान वाई का मध्यमान एक्स का प्रसरण इसे हम सहसंबंध गुणक, यह रो सहसंबंध गुणक कहलाएगा एवं इसकी चर्चा हम कुछ समय पश्चात 4 या 5 व्याख्यानों के पश्चात करेंगे। अब यहां पर अथवा दो संयुक्त रूप से गौसियन बंटित यादृच्छिक चरों एक्स एवं वाई के लिए एफ एक्स एक्स बराबर है समाकलन अनंत से अनंत एफ एक्स वाई एक्स वाई डी वाई बराबर है एवं सिग्मा एक्स स्क्वायर, इसी प्रकार यह होगा 1/2 वर्गमूल सिग्मा वाई वर्ग यह। अब हम यादृच्छिक चरों के संदर्भ में वृत्तीय सममिति की चर्चा करेंगे। अथवा सर्कुलर सिमेट्री हम कहते हैं कि दो यादृच्छिक चरों चरों का संयुक्त घनत्व फलन वृत्तीय रूप से सममित अथवा सर्कुलरली सिमेट्रिक है जब वह एक्स वाई तल के संदर्भ में केवल उस बिंदु एक्स वाई की उद्गम बिंदु
अथवा ओरिजिन से दूरी का फलन हो, अथवा हम fxy xy को g r के रूप में लिख सकें। यह तो जानते ही हैं कि r x वर्ग जमा y वर्ग के रूप में अब एक प्रमेय, यदि यादृच्छिक चर x एवं y वृत्तीय रूप से सममित हैं एवं यदि x एवं y वृत्तीय रूप से सममित हैं एवं स्वतंत्र हैं, तब वे मध्यमान शून्य एवं एक समान प्रसरण के साथ गौसियन अथवा गौसीय बंटित हैं। इस प्रमेय की उत्पत्ति, यदि x एवं y स्वतंत्र हैं एवं वृत्तीय रूप से सममित हैं, तब एक यदि xy वृत्तीय रूप से सममित हैं तब यह एवं यदि x एवं y स्वतंत्र हैं तब यह है। हमारे पास यह दो समीकरण हैं। अब इन दोनों समीकरणों को जोड़ते हुए, जब वे वृत्तीय रूप से सममित भी हैं एवं स्वतंत्र भी हैं, यह x के संदर्भ में दोनों ओर अवकलन करने पर डी जी आर बाई डी एक्स बराबर है डी जी आर बाई डी आर गुणा डी आर बाई डी एक्स बराबर है डी एफ एक्स एक्स बाई डी एक्स वाई वाई। यह अब डी आर बाई डी एक्स बराबर है x बटे आर, यह बराबर होगा 2x बटे 2r, जिसे हम x बटे आर लिख सकते हैं। डी आर बाई डी एक्स बराबर है x बटे आर, अर्थात डी जी आर बाई डी आर गुणा x बटे आर बराबर है x बटे डी एक्स गुणा एफ वाई वाई। अब मैं दोनों ओर इस समीका के दोनों ओर एफ एक्स एक्स एफ वाई वाई से भाग करते हुए, अर्थात जी आर से भाग करते हुए, एक बटे आर डी जी आर बटे डी आर गुणा एक बटे जी आर बराबर है एक बटे एक्स डी एक्स बटे एक बटे एफ एक्स एक्स। यह प्रदर्शित करना सरल है। अब इसी प्रकार यदि हम समीका एक को, इसे मैं समीका एक कहता हूँ, इसी प्रकार यदि हम समीका एक को वाई के संदर्भ में अवकलित करें, तब यदि हम इसे y के संदर्भ में अवकलित करें, तब एक बटे आर डी जी आर
बटे टी आर एक बटे जी आर बराबर है वाई वाई बटे डी वाई बटे एफ वाई वाई। अर्थात समीका दो और समीका तीन को जोड़ते हुए हम लिख सकते हैं एक बटे आर बटे जी आर बराबर है एक बटे एक्स एक्स एक बटे वाई एफ वाई। यह अथवा यह ना तो आर का फलन है ना वाई का फलन है ना ही एक्स का फलन है, यह एक अचर है। इस अचर को मैं के कह देता हूँ अथवा इस अचर को मैं अल्फा कह देता हूँ क्योंकि के हम बाद में प्रयोग करेंगे। अब अर्थात एक बटे आर आर बटे जी आर बराबर है अल्फा अथवा अल्फा आर जी आर। यह एक अवकलन समीकरण अवकल समीकरण अथवा डिफरेंशियल इक्वेशन है। यह एक अवकल समीकरण है एवं हम यह जानते हैं कि यदि को हम यदि हम यह रखें तब यदि हम जी आर को तब यह होगा अर्थात अथवा यह अवकल समीकरण यह इस अवकल समीकरण का समाधान है अथवा यह इस अवकल समीकरण के गुणधर्मों को अथवा इस अवकल समीकरण के द्वारा प्रतिबंधों को पूर्ण करता है। अर्थात यह अब प्रायिकता घनत्व फलन के प्रतिबंधों का प्रयोग करके यह दिखा सकते हैं कि यह एक गौसीय घनत्व फलन है। इसी के साथ वृत्तीय सममिति पर हमारी चर्चा समाप्त होती है। धन्यवाद।